अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो मैंने ट्राई किए थे कुछ ईद के स्नैक्स। मैंने सोचा सब खाते हैं रमज़ान में इतना फ्राई, तो मैंने स्नैक्स ट्राई किए थे कुछ कि ईद पे आपके दोस्त आएँ, अहबाब आएँ, तो आप उनको ये बना कर खिलाएँ। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन गए थे। तो इसको बनाने के लिए हमें बहुत सिंपल चीज़ें चाहिए। उन सब की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए कुरकुरे का पैकेट, कुछ टमाटर, कुछ प्याज कटे हुए, कुछ हमें चाहिए शिमला कटी हुई, हमें चाहिए वाइट सॉस, और उसके साथ चाहिए हमें गाजरें और कटी हुई हरी मिर्चें, और उसके साथ हमें चाहिए आलू उबले हुए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। पैन में ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा प्याज डालेंगे। एक प्याज लिया मैंने, उसको चॉप कर लिया, और इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। ये जब सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं इसके साथ इसमें शामिल करूंगी गाजरें कटी हुई। मैंने एक गाजर लिया, उसको चॉप कर लिया अच्छे से, और इसको भी हम सौते कर लेंगे। और इसके साथ मैं शामिल करूंगी शिमला। शिमला मिर्च भी मैंने एक ली थी और उसको अच्छे से चॉप कर लिया था, छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। तो आप भी ऐसे ही बारीक से पीसेस कीजिएगा छोटे छोटे, और इसको भी हम साथ सौते कर लेंगे। और इसके बाद बारी आएगी मसालों की। मैंने इसमें डाला था 1 टीस्पून के करीब क्रश किया हुआ ज़ीरा। आप हाथों की मदद से अच्छे से क्रश कर लें, उसको शामिल कर लें उसके अंदर। थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, थोड़ी सी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, थोड़ी सी हल्दी डाली, और इसके साथ हमने डाला कोरिएंडर पाउडर। इन सब चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। मिक्स चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे फ्रिज में जितनी भी सब्ज़ियाँ थी मैंने सारी डाल दी थी ऑलमोस्ट, तो आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है आप डाल सकते हो, और आप चाहो तो चिकन भी शामिल कर सकते हो इसके अंदर, तो वो भी आप शामिल कर सकते हो, लेकिन उसको बॉईल करके शामिल कीजिएगा। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद बारी आती है टमाटर डालने की। हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। एक मैंने टमाटर लिया, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया अच्छे से, और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, और इसको डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें दूध शामिल करूंगी, दूध से भी ग्रेवी सी हो जाएगी। तो मैंने आधा कप दूध शामिल किया था इसमें, तो आप भी शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसके अंदर दूध शामिल किया था। दूध शामिल करने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब केचप शामिल किया था। आपको थोड़ा केचप कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हो। इन सब चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जब मिक्स हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर और कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, वो शामिल करूंगी, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट मजीद पकाने के बाद हम इसको उतार लेंगे, और उतार कर हम साइड पे रख देंगे। ये यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, तो मैंने इसको उतार दिया, और अब हम करेंगे प्लेटिंग। सबसे पहले मैंने शामिल किया इसके अंदर मिक्सचर, और मिक्सचर डाल के इसके बाद हम इसके ऊपर इसको फैला लेंगे हम अच्छे से प्लेट के अंदर, और उसके ऊपर हम शामिल करेंगे आलू। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, आप ऐसे ही बिग बिग काट कर आप बॉईल कर सकते हो। थोड़ा सा नमक शामिल करके आप उसको बॉईल कर लीजिएगा। और मैंने डाला वाइट सॉस। वाइट सॉस की रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है आपसे, और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसके बाद हम शामिल करेंगे कुरकुरे। कुरकुरे की बारी आती है। कुरकुरे भी हमने शामिल करके उसको अच्छे से फैला देना है। आप रेड कुरकुरे लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। आप चाहो तो छोटे छोटे चंक्स भी कर सकते हो इनके, बारीक बारीक आप इसको तोड़ भी सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े चंक्स लिए थे। तो उसके बाद मैं दोबारा थोड़े से आलू शामिल करूँगी, और इसी तरह लेयर्स करती जाऊँगी और बनाती जाऊँगी। इसी तरह इसकी 2 से 3 लेयर्स बनाई थी, और टड़ा ये यहाँ पे रेडी थे। मैंने थोड़ा सा इसको गार्निश किया था धनिए के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो, और थोड़ा सा आप इस पर ओरिगानो भी डाल सकते हो। आप चाहो तो चीज़ भी शामिल कर सकते हो, और इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में ग्रिल भी कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी खाना चाहें। ये बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का था, आप ज़रूर ट्राई करें। ये ईद स्नैक्स के लिहाज से था, आप फ्राई खाते हुए तो बहुत तंग आ जाते हो। ये थोड़ी यूनिक डिश है, आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वहाँ भी फॉलो करें, और दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। पुरानी वीडियोज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप वो भी देखें। अल्लाह हाफिज़।